एडजेक्टिव ठीक है एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे कल भी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन के लिए या तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं फिर उसके हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री में हम एनी प्लस अदर प्लस नाउन को सिंगुलर रखते हैं वहीं अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो ऑल प्लस द प्लस नाउन और नाउन को प्लूरल रखते हैं लेकिन आज हम कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ने वाले हैं और जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में रूल आते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं सो वेन कंपेरिजन इज डन ऑन अ बेसिस अब कई बार लोग कंपेरिजन करते हैं लेकिन कंपेरिजन के लिए एक बेसिस लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस को देखिए क्या कह रहे हैं द सीट्स ऑफ दिस रूम आर बेटर दैन द सीट्स ऑफ एनी अदर रूम राइट तो आप यहाँ पर देखें आपने क्या किया आपने एक रूम को कंपेयर किया कैन यू सी दिस यू हैव कंपेयर्ड दिस रूम विद सम अदर रूम आपने एक रूम को दूसरे रूम से कंपेयर किया लेकिन इस रूम को कंपेयर करने के लिए जो आपने बेसिस लिया है वो क्या है सीट्स आप एक्चुअली में रूम को रूम से कंपेयर नहीं कर रहे बल्कि एक रूम की सीट्स को दूसरे रूम की सीट से क्या कर रहे हो कंपेयर कर रहे हो so, जब इस तरह से आप चीजें करते हो जब आप कंपेरिजन के लिए तो स्टेटमेंट हमसे हम कहता है कि वेन कंपेरिजन इज डन ऑन बेसिस जब भी कंपेरिजन डन किया जाता है ऑन द टर्म ऑफ बेसिस तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे Not allowed, राइट रेपिटेशन अलाउड नहीं होता अच्छा ठीक है रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो ये रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेपिटेशन अलाउड नहीं होता ठीक तो हमने क्या किया हमने यहां पर क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है तो हमने क्या कर दिया हमने सीट्स को हटा दिया राइट right? तो अब देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है दीट्स ऑफ दिस रूम इस रूम की जो सीट्स हैं आर बेटर बेहतर हैं Of any other room, किसी और दूसरे रूम से, तो क्या एक रूम की सीट दूसरे रूम से बेहतर होंगी या दूसरे रूम की सीट से बेहतर होंगी तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैम जब रूम और रूम का कंपैरिजन ही नहीं हो रहा रूम की सीट का कर दें तो मैम तो ये तो अधूरा से और अटपटा सा लग रहा है तो जब हमने यहाँ पर रेपिटेशन को रिमूव कर दिया है ना हमने क्या किया हमने रेपटेशन को रिमूव कर दिया तो सेंटेंस जो था जो हमारा सेंटेंस था वो क्या हुआ वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था वियर्ड वियर्ड है ना या आप अभी याड हो ठीक है आपको लग रहा है नहीं, नहीं नहीं अभी आपको ये रूल परेशान कर रहा है तो यहां पर क्या कहा जाता है कि सेंटेंस तो वियर्ड हो गया अजीब सा हो गया क्योंकि हम सीट्स को कंपेयर नहीं कर सकते रूम से तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं सेंटेंस को और सही करने के लिए आप चेक करते हैं क्या करते हैं आप चेक आप करते हैं क्या करते हैं फिर से सुनिए आप क्या करते हैं आप चेक करते हैं राइट right? सो so इस कंडीशन में आप क्या करेंगे आप चेक करेंगे और चेक किसको करेंगे चेक करेंगे आप बेसिस को मैम तो बेसिस को चेक करेंगे अब बेसिस में हम क्या चेक करें आप बेसिस को चेक करें कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है तो यहाँ पे आप लिख लें आप चेक करेंगे कि बेसिस आपका क्या है सिंगुलर है कि आपका बेसिस प्लूरल है राइट right? तो चेक करने पे सिंगलर और प्लूरल बेसिस को जब आप चेक कर रहे हो तो आपको चेक करने से काफी कुछ पता चलेगा अगर आपका बेसिस निकलता है सिंगलर तो आप रेपिटेशन हटा करके वहां पर उसको रिमूव कर देंगे उसकी जगह पे क्या लगा देंगे दैट दैट ऑफ का कंडीशन आ जाता है वहीं जब आप प्लूरल बेसिस देखते हैं तो आप वहां पर क्या लगा देते हैं दोज ऑफ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसी सेंटेंस पे वापस आ जाइए और आप इसको देखिए यहां पर जब मैंने बेसिस चेक किया तो लिखा हुआ था सीट्स क्या लिखा था सीट्स तो आप मुझे बताइए ना सीट सिंगुलर है कि प्लूरल है तो आप बोलेंगे मैम सीट्स तो प्लूरल है तो जब सीट्स आपका प्लूरल है और आप रेपिटेशन को अगर हटा रहे हो तो वर्ड हो जा रहे हो चिंतित हो जा रहे हो परेशान हो रहे हो क्योंकि आपको ये यर्ड लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको हटा तो दोगे हटेगा तो ये लेकिन हटने के बाद क्या आ जाएगा आपका रिप्लेसमेंट आ जाएगा और इस सीट्स की जगह पे क्या लग जाएगा दो तो अब क्या हो गया द दीट्स ऑफ दिस रूम इस रूम की जो सीट्स हैं वो बेहतर हैं दोज ऑफ उनसे ठीक है ना उनसे किन से किसी दूसरे रूम की सीट्स से तो ये दोस्त किसको डिफाइन कर रहे हैं सीट्स को ही तो हमने रेपिटिशन यूज नहीं किया लेकिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया किस वर्ड से दोस्त वर्ड से अब ऐसे ही अगर आपकी सिंगुलर की कंडीशन आ जाए तब आप क्या करेंगे आप देख लें यहाँ पर क्या द वॉटर ऑफ माई एरिया इज मोर प्योर देन एनी अदर एरिया जो मेरे एरिया का पानी है वो किसी भी एरिया के पानी से ज्यादा बेहतर है अब अगर आप नोटिस करें तो एरिया का एरिया से कंपैरिजन नहीं हो रहा बल्कि यहां पर बेसिस क्या लिया गया है कंपेयर करने के लिए वाटर है ना तो अब जैसा कि हमने रूल पढ़ा कि आपका जो भी वर्ड एज बेसिस लिखा होगा उसका रेपिटेशन अलाउड नहीं है नो रेपिटेशन शुड भी देर है ना लेकिन रेपिटेशन देखो यहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉटर ऑफ माई इज मोर प्योर दान द वॉटर ऑफ मैंने लिखा है ये नहीं लिखा है यानी कि यहाँ पे तो रेपिटेशन आई रहा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जब रेपिटेशन नहीं आ रहा मतलब हम किसी एरिया के पानी को दूसरे एरिया से कंपेयर कर दे रहे हैं पानी से कंपेयर नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे चाहे आपका बेसिस दिया गया हो या दोबारा रेपिटेशन में नहीं दिया गया हो आपको रिप्लेसमेंट तो करना है अब आप जब आपने बेसिस को चेक किया तो चेक करने पर क्या पता चला चेक करने पर पता चला कि ये बेसिस तो क्या है सिंगुलर है और जैसे ही आपको ये पता चला कि ये बेसिस क्या है सिंगुलर है तो आपने आगे स्ट्रक्चर फॉर्म किया और आपने यहाँ पर क्या लगा दिया दैन दैट ऑफ एनी अदर एरिया तो क्या समझ में आया इस एरिया का जो पानी है वो किसी भी एरिया के पानी से बहुत ज्यादा बेहतर है क्लियर हो गया अब जाते जाते मैं ऑफ़ ऑफकोर्स आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगी दैट विल बी माय होमवर्क क्वेश्चन अब मैं होमवर्क क्या दूंगी मैंने लिख दिया द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ माय रूम इज हॉट हॉट देन द temperature of any other room. तो अब आपने क्या करना है आपने इस पे रूल अप्लाई करना है और आपने इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर मुझे आफ्टर दी वीडियो कॉमेंट सेक्शन में देना है राइट सो आई एल भी वेटिंग फॉर यू आंसर आप सभी लोग मुझे आंसर करेंगे और आप मुझे प्लीज रेगुलर बेसिस पर कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करिए कि आपको ये जो इंग्लिश ग्रामर के वन ट्वेंटी रूल्स हैं ये ऐसे लग रहे हैं और आप इन्हें शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स में या नहीं इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो ताकि हर एक बच्चा जो कि ग्रामर में अपने आपको वीक फील कर रहा है उसको हेल्प हो पाए आपके क्लासमेट्स होंगे आपके फ्रेंड्स होंगे उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और माई डियर स्टूडेंट्स आप आंसर जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छा सा प्यार हट हाँ दे सको अच्छा एक आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूँ अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा सी ई डी की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो सी ई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जा सकता है अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर सकता है और बैल लेना चाहे तो ले सकता है बाई यूजिंग दिस कोड इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा ठीक है ना सो विद दिस माई डियर स्टूडेंट बाई बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल